मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही जो पहला काम किया था वो था काले धन के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। लेकिन ब्लैक मनी एक ऐसा उलझा हुआ हिसाब किताब है जिसकी काउंटिंग कुछ घंटों या दिनों में नहीं हो सकती। खासकर विदेशों में जमा भारतीय काले धन का हिसाब तो और उलझा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की कोशिशें इन उलझनों से कम नहीं हुई और नतीजा साल दर साल आता रहा। दुनिया में कहां कहां ये कारोबार चल रहा है, इस पर ये टीम काम कर रही है और हर 6 महीने वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रही है। ये काम पहले वाली सरकारें टालती रही थी, हमने किया। अब काले धन को लेकर मोदी सरकार की कोशिशों को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी जल्द ही भारत सरकार को मिल सकती है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। स्विस अधिकारियों ने HSBC बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से इस संबंध में लिखित सहमति देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2008 में स्विट्जरलैंड की फेडरल कोर्ट के एक आदेश के बाद खातों की जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन करीब 1.5 महीने पहले व्यक्तिगत भारतीय खाता धारकों को स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नोटिस भेजे गए। इनमें कहा गया है कि भारत की ओर से मांगी गई बैंकिंग डिटेल दोनों देशों के बीच हुए दोहरे कराधान समझौते के तहत आती है। नोटिस में 1 अप्रैल 2011 से खातों की जानकारी देने को कहा गया है। आदेश के साथ भारतीय खाता धारकों को एक सहमति पत्र भी भरने को कहा गया है। इसमें लिखा है कि वो भारतीय अधिकारियों ने जो सूचना मांगी है वो देने के लिए सहमति देते हैं। साल 2011 में फ्रांस से भारत को स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में खाता रखने वाले 628 भारतीयों के नाम मिले थे। इसके बाद साल 2015 में एक खुलासे में 1,195 भारतीयों के नाम उजागर हुए थे। इसके चलते 2006 और 2007 तक स्विस बैंक खातों में भारतीय खाताधारकों के करीब 25,420 करोड़ रुपए होने की जानकारी सामने आई थी। इनमें से 85 लोग भारत में रहने वाले थे और उनके कम से कम $1 मिलियन खाते में जमा थे। इससे पहले खबर आई थी कि फ्रांस ने HSBC में तकरीबन 700 भारतीयों के खातों की जानकारी अगस्त 2011 को दी थी। इसके साथ दुनिया भर के कई अन्य देशों में भी सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी। पिछले साल स्विस बैंक BIS की तरफ से आंकड़े जाहिर कर रहा था कि 2017 में काले धन में 34.5% की कमी आई है। उसने कहा था कि मोदी सरकार में काला धन 80% कम हुआ है। नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय ने टैक्स हेवन देशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया समेत तमाम देशों से समझौता किया था। दूसरी ओर देश में काले धन पर नकेल कसने के लिए तमाम उपायों का नतीजा सबके सामने है। 1,30,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियां कर के दायरे में आई है। इसमें 50,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। कर चोरी और नकदी रखने वाले आय के स्रोत बताने के लिए मजबूर है। जाहिर है मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ अभियान में धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी सफलता मिल रही है। स्विस बैंक के ताजा सहमति पत्र से विदेश में जमा काले धन पर से पर्दा उठेगा। कुछ नाम भी सामने आएंगे जो मोदी सरकार की कोशिशों का ही नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।